हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन पॉडकास्ट। भाई हमने सोचा नहीं था हम चौथे एपिसोड तक आ जाएंगे। आ गए, बढ़िया से आ गए, पसंद भी आ रहा है सबको और ईमेल्स भी आने शुरू हो गए। और हम आपको बता दें कि इस एपिसोड के एंड में हम ईमेल्स पढ़ने शुरू भी करने जा रहे हैं अब से, तो एंड तक जरूर देखें अगर आपने चिट्ठी लिखी है तो। और अगर अभी तक नहीं लिखी है तो इस एपिसोड के एंड में लिखें। आज का टॉपिक क्या है राजेश? बर्थडे पार्टी। पार्टी नहीं, नॉट बर्थडे पार्टी बट द ग्रेट इंडियन बर्थडे, इस पर आज हम बात करेंगे। इतना खुश क्यों भाई? बर्थडे पार्टी यार। हिंदुस्तान में जिस तरीके से सेलिब्रेट की जाते हैं हर उम्र के लोग। बट सब पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे। अरे यार, अरे यार क्या होता है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? 22 फरवरी। 22 फरवरी कुमारे राजेश, तू झूठ बोलियो। नहीं, अपनी सच बताएगी। 24-25 ही बताइयो। नहीं झूठ नहीं है, वही बताइए। उनके दिल टूट जाएंगे यार। वही बताइए। आपकी क्या है? मेरी है 25-7-1-9-9-1। अभी तक बाप क्यों नहीं बने आप? एक आध साल बचा, ये ताना तो मारना ही पड़ेगा। कोशिश जारी है बिल्कुल। और सौम्या? 29 अक्टूबर 96। ठीक है, मैं इससे एक साल बड़ा हूँ, 27 मार्च 1995। क्या बात कर, और शादीशुदा? शादीशुदा। पेट पेरेंट भी? पेट पेरेंट, पेट पेरेंट तो चलो कोई, उसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, पालना नहीं पड़ रहा हमें? क्या भाई, महीने की दाल रोटी एक उसकी बेचारे, क्या कितना खा भी है, जितना भी हो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है मुझे। बट यस, तो ये हमारी हो गई डेट ऑफ बर्थ। अब वही जो एक रिवाज यहाँ पे बन चुका है, सबसे पहले हम पहली मेमोरी की बात करते हैं। तो बर्थडे की क्या मेमोरी, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की है या किसी और के में गए? सब ज्यादा तो जैन ने मनाए, तो जैन की मेरी अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन अपने की। और भाई मतलब 90s का बर्थडे पार्टी वो सो टिपिकल बर्थडे पार्टी, वो सबकी एक ही जैसी होती थी। कौन सा मंथ है आपका? जुलाई। जुलाई तो स्कूल खुले, स्कूल खुले होते थे तो सबकी एक ही जैसी बर्थडे होती थी। मेरे स्कूल में ये था कि मैं टॉफी नहीं बांटता था, मुझे वो 5 या 7 रुपए का एक मेरी मम्मी वो बनवाती थी। इसमें एक पेंसिल होती थी, एक रबर होती थी, एक दो टॉफी। सिंगल चाइल्ड, 16 साल बाद पैदा हुआ था, प्रिविलेज। तो जोड़ी रहते थे, जोड़ी रहते कि पेंसिल भी था। 5 या 10-15 रुपए का उस वक्त बनता होगा, वो बांटता था स्कूल में। और हाँ, वो बाकी टॉफी यही खुशी का जरिया था बच्चों का, पेन पेंसिल देख के तो मुंह ही लटकता होगा उन्हें यार। स्केल स्केल हो जाता था, एक आधा वो मिक्की माउस वाली रबड़ हो जाती थी। और घर पे पार्टी होती थी। और मुझे दूसरे बर्थडे पार्टी का एक बहुत अच्छी चीज याद है कि तुम लोगों ने देखा नहीं देखा कि बलून्स लगे होते थे, पर एक बड़ा बलून होता वो फोड़ते थे, मैं बटोरता रह जाता था। शरीफ बच्चा था बचपन में, बटोरता था, बैठा फिंगर पे खड़े हो जाते थे बच्चे, मैं रोता था। टॉफी मिली नहीं, उंगली और चल गई। लेकिन अगर आपके माँ बाप दूसरों को 7-8 रुपए खर्च रहे हैं तो आपको तो टॉफी दिलाई देंगे आपको। पर वो एक वो होता था यार, होता था ना कि लूटी मैंने, कॉफी बाइट लूट ली मैंने, कॉफी बाइट मिली घंटा नहीं, हैंड पे शू बाइट और हो गई। वो उससे मुझे सख्त नफरत। हाँ, और शाम को घर पे बर्थडे जो पार्टी होती थी वो कैसी होती थी? एक बड़ा केक आ जाता था, आस पड़ोस के बच्चे आए थे, उसमें भी शेप आते थे अलग अलग, कभी बाइक बनती थी, कभी डॉल बनती थी। एक मेरी बर्थडे का केक है, उसमें एक जगह बाइक बनी हुई है, एक लोग ज्यादा बुला लियो कि मेरे माँ बाप ने तो एक केक कम पड़ रहा था, एक में तो बाइक बनी हुई है, दूसरे केक में जेड बना लैक ऑफ क्रिएटिविटी, दूसरे केक में जेड बना हुआ है। मेरी बर्थडे की सबसे पहली मेमोरी, क्योंकि मेरा बर्थडे अक्टूबर में आता है, इट्स वेरी दिवाली वाला टाइम, तो हमेशा वेकेशन में हुआ था, दिवाली वेकेशन में। सो मेरे पापा बहुत जल्दी उठ करके थोड़ा घर डेकोरेट करते थे,
सो ये थी मेरी पहली मेमोरी. और उसके अलावा सेम स्कूल में कि चॉकलेट्स देते थे. आई वाज नॉट दैट चाइल्ड जिसको पेंसिल और रबर बांटने का मौका मिला है. कोई बात नहीं. वो सिंगल चाइल्ड प्रिविलेजेस है. बट हाँ, चॉकलेट्स बांट दिए. स्कूल में कलर ड्रेस पहन के जाते थे जिस दिन बर्थडे होता था उस दिन. सो आई यूज टू सेलिब्रेट इट आफ्टर दिवाली. जब स्कूल खुल जाते थे तब चले गए. तो चल, तेरा सब कुछ सेम ही रहे तो तू उस फिनोमेना की बात कर थोड़ा, उसके बारे में बता. जो भाई एक बेस्ट फ्रेंड जो बनना होता था आपको किसी का बर्थडे में, जो आपके साथ टॉफी बांटने जाता था, वो हाईएस्ट क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलो, ऑनर बोलो, अवार्ड. हाँ, वो वैसा होता है कि आप जो बर्थडे उसके मतलब साथ चॉकलेट बांटने जा रहे हो. ये उस कैटेगरी के हैं कि मैम ने आपसे रजिस्टर में कुछ एंट्री करवा ली, स्टाफ रूम का एक्सेस है आपको, फिर आप चलते पीरियड में निकल सकते हो बाहर, आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी, आपको ज्यादा प्रिविलेज फील होता है उस दिन. बात नहीं करते थे यार उन दिनों. अरे आप क्या, आज मेरे दोस्त का बर्थडे, उसका पर भी बर्थडे नहीं है. और आप इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, तो एक ही दे. यस, इसे एक्स्ट्रा दे दे, मेरे बस में जाता है इसे एक दो. एक और एक मैं तो ये कहता मैम भी स्किप करवा देता छोड़ ही नहीं करी. लास्ट में ट्रे में दो चार चॉकलेट्स बताए. आप टीचर्स के लिए बड़ी चॉकलेट लेके आते हो, मतलब अगर आप बाकी लोगों को इक्लेयर्स दे रहे हो तो आप डेयरी मिल्क दोगे अपने टीचर्स को. ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी उसमें पड़े हैं भाई. यार ऐसा होता था और क्या यार, मार्क्स तो मैम को दे रहे हैं ना, बच्चे थोड़ी मार्क्स. सरकारी स्कूल का राजेश, ये सब होता था. तो जैसे इनके टाइम पे कॉफी बाइट थी, मेरे टाइम पे इक्लेयर्स थी, एक रुपए वाली वो चॉकलेट वाली इक्लेयर्स आती थी. और टीचर्स को डेयरी मिल्क देनी है तो लास्ट में तीन चार डेयरी मिल्क बच रही है तो आप नहीं जाओगे टीचर के पास, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर वो आप अपने जेब में. ये कौन सी क्लास तक किया है, 12 तक? पागल हो गया, कूल हो जाता है 12 में. वही पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी क्लास तक किया है? साउथ में थोड़ा सा अलग चलते हैं कैलेंडर्स. तो बाकी साउथ में बर्थडे अलग दिन बनता है आपका. कैलेंडर क्लास फोटो जुलाई में होती है, एकेडमिक कैलेंडर चलते हैं. तो बाकी बच्चे यूनिफॉर्म में तुम्हारा भाई अकेले खड़ा है लाल टी शर्ट पहन के और नीचे लंबी नीचे दिखता भी नहीं है ना, लाल टी शर्ट खड़ा है बाकी सब सफेद शर्ट में. कैसी क्लास फोटो जिसमें नीचे दिखता ही नहीं था? अरे खड़े भी आगे दूसरा बच्चा खड़ा होता है ना, चेयर के ऊपर खड़े हो गए होती ना वो क्लास फोटो, तो आगे वाले बैठते हैं, बैठते बच्चे पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं जो पॉडकास्ट करने वाला था. नहीं लेकिन ये भी है कि जो एक कलर ड्रेस पहन के जानी होती थी स्कूल में, इसका भी एक बड़ा वो होता था. जैसे एक मेरे साथ वो होता कि मेरे को एक बार नए जूते आए, ठीक है, वो भी ऐसे आए कि किसी और के थे, मेरे कजिन वगैरह के, उसका छोटा साइज आ गया था तो नए के नए मुझे मिल गए. इसके तो आ नहीं रहे तू, और एडिडास के जूते भाई, पहली बार ओरिजिनल एडिडास. तो मैंने हल्का हल्का, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, मेरा पैर मुड़ गया, मैं स्पोर्ट्स शूज ही पहन के जा पाऊंगा, स्कूल शूज में तो नहीं जा पाऊंगा. तो मैंने वो स्पोर्ट शूज पहने और बाकायदा की सब नोटिस करे, यार पैर मुड़ गया था ना एक्चुअली, स्पोर्ट शूज पहन के आने पड़े, क्या कर सकता हूँ. कुछ और उसमें भाई घर वाले फुल सीरियस, तो वो तो कह रहे हैं कि पान का पत्ता लगा, सरसों का तेल लगा के, और ये इससे सूजन तो है नहीं, इसके अंदर गुम चोट है, उन्हें बुरा तो कैसे बताऊँ कि मैं तो जूते पहन के जाने लेता. तो ऐसी कलरफुल ड्रेस भी आई थिंक एक बड़ी चीज होती थी, खुशी तो होती थी. हाँ, कि आप सबसे अलग दिख रहे हो, डिस्टिंक्ट आप दिख रहे हो. और पर अगर अब वो बोला जाए कि सबसे अलग दिखना है तो मेबी वी माइट बैक आउट. नहीं, अब तो बड़े हो गए ना, बचपन में शौक होता था ना. पर बचपन में कितना कॉन्फिडेंस होता है अलग से स्टैंड आउट करने का. पर आल्सो लाइक कम टू थिंक ऑफ इट, स्कूल क्यों अलाउ करता था ये? खुश रहे बच्चा. पर वही था कि टीचर्स कुछ नहीं बोल रहे उस दिन ना. नहीं तो किसी और दिन नॉर्मल, तो अगर तुम जूते गंदे भी पहन जाओगे तुम्हारी डांट पड़ेगी. लेकिन वही आज वही वाली बात की जन्मदिन है आज मत मारो इसे. हाँ. इसलिए ये जो हिंदुस्तान में है ना कि बर्थडे पे मत मारो इसे, घर में मम्मी पापा भी कहते हैं कि आज जन्मदिन है आज मत डांटो इसे, तो वही वाला बस. बट आई वांट टेक योर पर्सपेक्टिव कि तुम एक बड़े परिवार में पढ़े हुए हो और एक सरकारी स्कूल में आप पढ़े. सरकारी स्कूल तो दूसरी बात है, बड़े परिवार में जहाँ 7-8 बच्चे हैं और सबके बर्थडे मनाने हैं, तो वैसे में बर्थडे कैसे मनता था? सबका मनता था कि किसी का नहीं मनता था, या किसी का कम ज्यादा, या सबका एक बराबर स्टैंडर्ड? कम ज्यादा. ओ भाई साहब, ये तो सैड है यार. क्योंकि मतलब ऐसा था कि बहनें तो बड़ी थी मेरी, हमारी बहनें बड़ी थी तो उनके बड्डे मनने बंद हो गए थे. अच्छा. तो मुझसे एक बड़ी बहन थी, उसका मनता था, तब सही बनता था मुझे ध्यान नहीं. अच्छा. तो वो उसका मनता था और हम भाइयों का मनता था, जो एक मुझसे छोटा था और मुझसे बड़ा वाला भाई. बड़े वाले भाई का भी बनना बंद हो गया था, क्योंकि जब मैं थोड़ा मेरे को समझाई थी तो वो भी उसके वही 6th-7th में आ गया होगा, तो उसने अपने दोस्तों के साथ बनाना शुरू कर दिया था. तो छोटे भाई का मनता था, मेरा बनता था और किसी का नहीं बनता था. समोसे की जगह बिस्किट रख देते थे और केक, बिस्किट और दो टॉफियां, नमकीन. ये वाला तो चलो बर्थडे पार्टी में, स्कूल में क्या हुआ और पार्टी में क्या हुआ, बट व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपकी मम्मी बनाती थी? मैं इस पे मैं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा बर्थडे नहीं बनता था. पहली बात तो ये, क्यों नहीं बन पाता था? क्यों? और ऐसा कुछ नहीं था, दो ही बच्चे थे हम दोनों का ही. ऐसा कभी मतलब सलोनी का तो फिर भी मना है. मेरा क्या था, मेरा मार्च में बर्थडे पड़ता,
स्कूल बंद, एग्जाम एग्जाम सब हो गए 27 मार्च, रिजल्ट भी आ गया, स्कूल बंद। तो स्कूल जाके आपकी इच्छा होती है ना पहली बार बर्थडे मनाने की, बार स्कूल जाएंगे, तो जब स्कूल ही नहीं गए कभी बर्थडे पे, तो छुट्टी मंदिर चले गए, पूजा कर ली और शाम को कुछ खा पी लिया। गली के बच्चे इस लायक समझे नहीं जाते थे कि नहीं हमारे यहाँ बर्थडे मनाने बुलाया जाए, क्योंकि ये सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गाली गलौज वाले बच्चे। हाँ, तो इन इनसे दूर रखना अपने बच्चे को। और मतलब कभी वो उस पर ध्यान ही नहीं गया कि बर्थडे मनाया जाए। मुझे याद है एक आध बर्थडे का अपना, वो छोटे से फोटो वोटो में देखकर तो थोड़ा बहुत याद आता है। मेरे भाई का जन्मदिन बहुत तगड़े से मना है, फोटो है इसकी प्रॉपर, माला छोटे से माला डली है, और एक वो घोड़े नहीं आते थे, वैसे घोड़े आते थे जिनके अंदर वो भूसा भरा रहता था, उसके ऊपर बैठा रखा है, टोई बना रखी है, केक कटवा रहे थे, बहुत सारे लोग शाही भाई शाही, बहुत सारे लोग खड़े हैं गाँव के आ रखे हैं। हाँ, और उसके साथ साथ एक गली में और बच्चा था जिसका बर्थडे भी नहीं होता था, उसकी मम्मी अपने इसके इसके साथ मना ले, तो उसको भी साथ में खड़ा कर इसके साथ मना ले। तो ये तो होता है कि अगर आपके कजन्स हैं सेम उम्र के, तो वो बेचारे अपने आप ही उनके मुंह ऐसे बनने लगते थे, उन्हें खड़ा कर दिया जाता। हाँ, तो उसकी वो फोटो है, घोड़े बैठा हुआ है, माला डाल रखी है गले में, टोपी पहना रखी है। हमारे घर में सेलिब्रेशन का डिलेमा ये होता था ना कि मेरे और मेरे भाई का बर्थडे 15 डेज अपार्ट है बस, वैसे तो 2 साल का डिफरेंस है, नहीं तो होता ही नहीं था, मतलब एक दो बार सेलिब्रेट किया होगा, फिर सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया कि अरे यार 15 दिन में करोगे, दोनों का ही कैंसिल कर दिया। और एक ये वाली चीज भी मेरे स्कूल में तो होती थी कि बर्थडे कार्ड दिया जाता था, कार्ड, और वो अनाउंस होता था स्टेज से मॉर्निंग, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडेज, और उनको कार्ड मिलते थे, मेरे स्कूल में भी होता था, और मुझे वो कभी कार्ड भी नहीं मिला क्योंकि छुट्टी वाले दिन स्कूल ही बंद है तब। तो जैसे अगर आपका संडे को बर्थडे पड़ गया और मंडे स्कूल खुला, तो आपको मंडे मिल जाएगा कि इनका कल था, या बच्चे ऐसे आगे पीछे बना लेते, लेकिन मेरा तो स्कूल ही बंद है ना। तो मेरे स्कूल में तो जैसे मार्च में अगर आपका बर्थडे, तो स्कूल जिस दिन खुलता था उसके अगले दिन सब कलर ड्रेस पहन के आते जिनका बर्थडे गया है। हमारे में होती थी अनाउंसमेंट kids who have their who had their birthdays during the vacation, please come on stage, aur fir birthday song hota tha, aur us birthday song mein na jaane ke dar se to inka school mein hoti thi, school mein hoti thi yaar, pehle door ke school mein padhti thi, to hota tha ki kuch aisi dates aati thi ki jis din na 15-16 bachcho ka birthday, to wo idhar chale ja raha hai ki and manu sharma 4th b aise naam bolte ja rahe hain bachche the, aur usme ek do behosho ke gir rahe ki wo celebration itni lambi ho jati thi na usme कि भाई नेशनल एंथम भी छोटा था, सब बर्थडे चल रहा है इतनी इतनी जगह, और तालियां बजती जा रही है। हमारे स्कूल में कोई मतलब नहीं था किस बच्चे का जन्मदिन है, टीचरों को अपने स्कूल वालों कोई मतलब नहीं, बच्चे की मर्जी है कपड़े पहन के आ गया तो उसे नहीं डांटेंगे, उसमें भी एक आध तो पहले लग जाता है टीचर बाद में पूछता है अरे सर मेरा बर्थडे था, चल चल कोई बात नहीं, एकदम पहले गुद्दी में मार दिया उसकी, आज ही कपड़े में छोड़ दिया। और वो कोई बच्चे भी ऐसे नहीं था कि हर कोई टॉफी लाके बांट रहा है, कोई कोई बच्चा ले आता था वो बांट देता खिलाया था ऐसा में। पर मेरे स्कूल में एक यूनिक चीज, जैसे जैन का वो पेंसिल और ये वाला था, वैसे ही मेरे स्कूल में कुछ बच्चे चॉकलेट्स तो देते थे, और चॉकलेट में भी कैटेगरी होती थी, आप एक्लेयर दे रहे हो, कच्चा मैंगो बाइट दे रहे हो, उससे बड़ी चॉकलेट दे रहे हो, देन देयर यूज्ड टू बी अ किट, पेंसिल बॉक्स, सुंदर पेंसिल, उसमें निब वाली पेंसिल या नॉर्मल पेंसिल। ये सब गुजरात में हो रहा था ना, तो गुजरात में विकास तो हुआ है दोस्तों, बर्थडे इतने ग्रैंड मन रहे हैं वहाँ पे, तो मतलब सच में मेरा इस पे तो दुख होता था कि जैसे मैं अब कह 40-50 बच्चे हैं, एक आध का छुट्टी में निकल जाएगा, 35-40 बर्थडे हमेशा मनते ही थे, तो उसमें बहुत ऐसी उत्सुकता रहती थी, जैसे लॉन्डो से उम्मीद रहती थी कि मैंगो व्हाइट से ऊपर नहीं लाएंगे, लेकिन लड़कियां भाई वो ऐसी ऐसी टॉफियां ले आती थी कि लड़के तो एक रेवल गॉन की ऐसी टॉफी आती थी, 3-4 कलर की, दिल शेप की 3-4, उसमें अगर अपनी किस्मत खराब की मान लो पान फ्लेवर निकल आए तो सही, घटिया सा फ्लेवर निकला है तो बड़ा ही मूड खराब होता था, फिर होगी भाई बदल देगा क्या, स्ट्रॉबेरी बेस्ट होती थी भाई, एल्पेनलीबे आती थी, एल्पेनलीबे बॉय ऑल टाइम ग्रेट, वही मिल जाता, आई हेट एल्पेनलीबे, आई हेट एल्पेनलीबे, ऐसा ही होती थी वो, पता क्या करती थी उसको चप चूसते रहते थे तो एंड में ना वो कट जा काट देती थी, पहनी जाती थी उससे ऊपर से कट जाता था मुंह। बेस्ट चॉकलेट टॉफी इज एक्लेयर, अगर वो दांत में ना चिपके तो, अच्छा चिपकती थी वो भाई कितने ऐसे, अरे वो खाई नहीं, स्वाद खाई कभी, अगर आपका दांत हिल रहा है और जो कि हर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों का हिल रहा होता है, आप एक लेयर खा लो तो उठ जाएगा वो, काटने पड़ते ना, इट्स सॉफ्ट डिस्पाइट द फैक्ट इट्स हार्ड, उसको चबाओ एक दांत निकल आता है वो, मतलब चिपक जाती है, चिपक के उखड़ जाता है, भाई डेंटिस्ट डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन, 10 चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, केक कटिंग, उसमें भी हमें पीछे बात कर रहे थे कि बच्चे का बर्थडे है, लेकिन बुड्ढे को बुला लिया जाता है, जो भी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुड्ढा है चल फिर ये कटवाएंगे, उसका हाथ पकड़वा के ऐसे करके बर्थडे कट रहा है, इसका क्या पॉइंट था हमारे यहाँ, 6-7 साल तक तो उतनी मोमबत्ती लगा देते जितनी है, फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल आने लग गए, 13 का बर्थडे है तो 13 जो उसमें क्या हो गया,
एक बुझा दे तीन रहने दे कि एक और तीन अगर ऐसे लिखा हुआ कि एक की बुझा दे तीन की वहां रख देंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि जब इंडियन घरों में केक रखा रख दिया जाता है ना कि अब चलो काटते हैं, मोमबत्तियां जल गई हैं, वो पिघल रही है, वो इतनी इतनी सी, और इतने लास्ट अरे पापा को बुलाओ, अरे बुआ जी नहीं आई, अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, दो मोमबत्तियां तो गल जाती है। हां बट कमिंग बैक टू द बुड्ढों वाला पॉइंट, क्यों बुलाया जाता है सम्मान के लिए? अरे पर बच्चे का थंडर छिन गया यार, आशीर्वाद के लिए। अब बच्चे को भाई बच्चे का थ्रिल खत्म हो गया ना, क्योंकि मैं खुद काटूंगा, दादी को समझा रहे हैं, दादी जी वहां से, दादी जी यहां से। मुझे तो बचपन में बहुत वो लगता था यार मेरा केक है भाई। हमारे तो ऐसा होता था कि भाई बहन थे तो और अब केक भी कितना क्राउडेड हो गया ना, पहले केक सिंपल होता था, केक पे मोमबत्ती, अब उसपे भाई वो धमाके जिसमें वो फुल फुलझड़ियां आ गई हैं बाकायदा। केक भी तो फैंसी हो गए यार, पहले केक भाई ना सिंपल क्रीम वाला केक मिलता था, ये कहां से शुरू हुआ थी आईडिया ऑफ सरप्राइजेस? क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स जैसे हम बड़े होने शुरू हुए सरप्राइज का एलिमेंट आना शुरू हो गया कि 12 बजे केक आ रहा है, 12 बजे दोस्त आ रहे हैं। और कैन यू रिलेट और कैन यू फिगर आउट यू कहां से शुरू हुआ, क्या इन्फ्लुएंस हुआ कि ये सरप्राइज का एलिमेंट आने लगा हम सबके लाइफ में? ये मुझे लगता है फोन जब एक्सेस हो गया ना उसके बाद थोड़ा सा हो गया कि रात में लोग कांटेक्ट कर लेते हैं या किसी को पता है कि भाई जगह हुआ है आ सकता आ जाएगा, ये भी हो गया, फिर आना जाना भी होना हो पाया एक दूसरे के घरों पे। पहले कहां अपने कजिन से साल भर में एक ही बार बात करती थी अपने बर्थडे पे, जब यू नो मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन पे कॉल आता था, तो आप कजिन से डेली मम्मी बात करती थी, मम्मी बात करती थी, मैंने तो कभी नहीं की, मैं तो मिलता ही था सीधे। पर व्हाई यू गाइस ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडेस? आई एम हां नेवर यू वर क्योंकि गिफ्ट विफ्ट मिल जाते थे आज, गिफ्ट में क्या मिलते थे आज पड़ोस के बच्चों से, कोई स्केच पेन दे जाता था, कोई ज्योमेट्री बॉक्स दे जाता था। वेट तो हर चीज का ही बढ़िया है कि दिवाली के भी इंतजार में मजा हो गई तो फिर क्या। हाँ बड़ा अच्छा, तुझे गिफ्ट्स की वजह से एक्साइटमेंट, हाँ और कपड़े दिलाते थे घर वाले, इन चीजों की थोड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि हाँ। और एक ये जो है मतलब बर्थडे गिफ्ट्स की बात जैसे चली, तो व्हाट इज एन आइडियल बर्थडे गिफ्ट आपको? अब जैसे हम ग्रोन अप्स हो गए तो अभी ग्रोन अप्स की भी ऐसे एक तो अगर क्योंकि शुभम का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, अगर आपको 10 साल के शुभम को एक गिफ्ट देना, हाँ एक तो बच्चों को अगर गिफ्ट देना चाहिए तो क्या? 10 साल के शुभम को तो एडिडास का जूता देता हूं, तो मैं 14 में मिला था, आप भी 15 साल के ही हो तो अपने हिसाब से बताओ। हाँ मतलब अलग अलग स्टेजेस का ले लेते हैं कि बचपन में क्या आइडियल गिफ्ट होना चाहिए, किसे देख के बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर कोई वो बताना कि थोड़ा बड़े होकर जैसे अभी हम अगर इनवाइट हो जाए कहीं किसी की बर्थडे पार्टी में तो क्या हमें लेके जाना चाहिए आइडियल बर्थडे गिफ्ट? आई थिंक वो बचपन में तो वो 3-in-1 बेस्ट गिफ्ट होता था, 3-in-1 सांप सीढ़ी लूडो, अच्छा और उसी को पलट दो तो एक गेम और। मुझे रोना आ गया था डिक्शनरी देख करके, रो गई थी मैं सच में। ये तो सैड है कि भाई को कार दी और डिक्शनरी यार, एंड दे लाइक तुम ज्यादा अच्छी हो ना पढ़ाई में तो और पढ़ो, सो अनफेयर यार। सबसे गंदा गिफ्ट लगता है पजल, जिक्सो पजल दे देते थे, गिफ्ट दिया है ये गिफ्ट है, टाइम बर्बाद करने का मतलब। और उस गिफ्ट को लेके मम्मी ताने मारती थी, खेलता भी नहीं ये करता रहता है, ये नहीं जिक्सो बना ले, जिक्सो बना के मिल ले अच्छा हो जाएगा। एक तो मुझे लगता है ये भी मिथ ही है कि पजल सॉल्व करने से मेरा ब्रेन शार्प हो जाएगा, कैसे करते हैं लेकिन इट्स अ प्रेशर यार, भाई बच्चे को उस टाइम पे ना अपना एनालिटिकल स्किल बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हां मैं टिपी टिपी टॉप खेलने जाऊं यार, जिसका बदल बनाओ F1 कार का। बंदूक मिली थी मुझे, बंदूक से बड़ा खुश था मैं उससे, बंदूक बहुत सही लगती है। बाउजर आई थी वो छर्रे वाली जैसी होती थी, मेरे को बड़ी पसंद थी। बेब्लेड नहीं पसंद था तुम्हें? बेब्लेड थोड़ा सा अर्बन बच्चों का कांसेप्ट, और बेब्लेड हां मुझे लगता है बेब्लेड मैं थोड़ा बड़ा हो गया जब बेब्लेड, हां जब बड़े बेब में भी बड़ा हो गया था बेब्लेड जब। मैंने मेरे बिल्डिंग में एक हिंदी मीडियम का लड़का आया था, उसने सिखाया था हमें थम्सअप की जो वो ऊपर वाला वो स्टील वाला होता है ना उसको पिचका करके उसमें छेद करके, वो मैं ही था लड़का, यही था वो हिंदी मीडियम का लड़का जो अपनी मौसी के घर गया था गुजरात और वहाँ की लड़कियों को बेब्लेड बनाना सिखाया। अब किसी ग्रोन अप को अगर गिफ्ट देना हो तो वो क्या उस पर, जैसे बचपन में तो हो गया हमारा खेल खिलौना, बड़े को देना हो तो क्या होना चाहिए यार, क्या नहीं होना चाहिए तो हमने बता दिया। मुझे तो लगता है सबसे सिंपल है बुके, बुके सस्ता भी पड़ता है, वेस्ट मुझे लगता है, मुझे इससे अच्छा पौधा दे दो प्लीज, सैपलिंग दे दो, गमले आजकल वो समझ ना आए, गमले आजकल चल गए। हां मुझे मेरी शादी में किसी ने पौधा दिया था,
हम तो नहीं थे, हमने तो कुछ नहीं दिया था, हमने तो कुछ नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो, हम कुछ नहीं दे गए, लिफाफा भी नहीं, कुछ नहीं भाई, बदतमीज, कोई नहीं अभी दे दो, तू मुझे क्या दे, क्यूआर कोड दे। पर यार सोचो कोई शादी में आया है, गमला लेके आया यार, क्या कूल हो गया आजकल, हो गया कि थॉटफुल में आता है, शादी में बता लोग चुरा रहे हैं, उससे अच्छा तो गिफ्ट देने, शादी में खड़ा हुआ ठीक है, मैं देख रहा हूँ सामने से एक बंदा आ रहा है कंबल लेके, अगर आपको कोई अमीर दोस्त है तो आप उसको अपने औकात से महंगा का गिफ्ट दोगे, और अगर कोई आपको थोड़ा सा मिडिल क्लास या थोड़ा सा आपके वैल्यू लेवल से नीचे का दोस्त है, आप उसको उसके लेवल का गिफ्ट दे दोगे, यू विल नेवर गिव हिम समथिंग दैट इज मोर देन व्हाट ही कैन अफोर्ड। वैसे अगर आपको किसी बड़े आदमी को देना होगा, आप अपनी औकात से बाहर निकल के उसको गिफ्ट लाके दोगे। बात तो सही है, साइकोलॉजी है ना, मेरा पर्सपेक्टिव उसमें चेंज हो गया ना, आई थिंक लाइक दिस, नहीं जैसे वो अभी वो बोलने लग जा, अब कोई वो महंगा कपड़े पहनता है, टी-शर्ट पहनता है, तो आप उसको नहीं दोगे ना अपने बजट वाली, हां भाई ना, ब्रांडेड पहनता है तो कि आप थोड़े दोगे, पता नहीं पहनता, कोई बंदा नहीं पहनता है महंगी टी-शर्ट, तो आप ये भी नहीं करोगे ना उसको एक महंगी टी-शर्ट दे दो, आप उसको उसे कहेगा 250 में पड़ेगा, बेसिकली इसमें फंड है ना कि दोनों को वो दे जो यूज करते हैं, हां भाई आप डॉलर का पहनते हैं आपको डॉलर का दे दिया, ये डिमेंश का पहनते हैं, ये डिमेंश का दे दिया, जो जो करता है मेरे को तो यहाँ रेकमेंडेशन भी दे दो गाइस, यहाँ मैं रेकमेंडेशन बचाऊंगा, मैं कच्चा पहनता हूँ जॉकी स्टैंडर्ड गाजियाबाद से लिया। अच्छा ये मैं पूछना चाहता हूँ जैन, जैसे अब आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ का बर्थडे आता है, तो आप क्या सोचते हो, क्या अब क्या देना है, आप अपने अपने पार्टनर को क्या देना है, तो फिर आप लाइक एंड वो भी होता है कि एटलीस्ट मेरे साथ ये है कि मैं आई एम नॉट अ वेरी बर्थडे पर्सन, सेम, कि मुझे कुछ भी दे दो चल जाएगा, बट I know my wife likes celebrating birthdays. तो उसका बर्थडे पिछले लास्ट ईयर तो बाहर ही था हिंदुस्तान से, तो वही खर्च आए एक गिफ्ट, और फिर देन यू गिव देम नाइस थिंग, लाइक पार्टनर को तो आप देते हो रे यार, व्हाट नाइस थिंग, नहीं हमें तो पार्टनर को भी कोई शौक नहीं बर्थडे मनाने का, शुभम होगा भी तो मार देंगे, शुभम इज चीप, आप ना कैंडल स्टैंड दे रहे थे ऑफिस के जमाने में, आप नहीं, वही बात है ना कि भाई जब किसी लड़की का आया है तो मैं उसे क्या दूं, मैं उसे थोड़ी दे सकता हूँ, तो इंसान इम्प्रेस करने के लिए देता है ना भाई, नहीं नहीं मेरी तो बीवी को कुछ नहीं चाहिए, मतलब आम दिनों में जो खरीदना खरीदती रहती है अपने, और बट जस्ट इन केस बर्थडे पे तुमने आज तक कुछ नहीं दिया है, नहीं अरे ऐसे आगे पीछे ही दे दिया, वो अलग से दिन का हमारे लिए कोई ऐसी खास वो है नहीं, एक ये जो है कि बर्थडे वाले दिन आपके अंदर बचपन से ही एक वो रहती है कि कुछ मांगा जा सकता है, जैसे बचपन में साइकिल आम दिन पे नहीं मांग सकते आप, तो आप मांग सकते हैं ना बचपन में, बचपन के वो बर्थडे के नाजायज फायदे उठा रहे हैं, और हर एज के साथ आप अलग तरीके के नाजायज फायदे उठाते हो, बचपन में आप साइकिल लेते हो, यार नाजायज फायदा भी कह सकते हैं इसको, तो बर्थडे है तो आज तुम मना नहीं कर सकती या कर सकते, तो बड़े होके ये हो जाता है, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दूं कि जो बचपन में शुरुआत इससे होती है कि नहीं पापा बर्थडे साइकिल चाहिए, साल भर नहीं मिलेगा चल बर्थडे में दिला देंगे, ऐसे जब आप बड़े हो जाते हो तो एक थोड़ा होता है कि आज बर्थडे आज तुम नानी को होगी, व्हाटएवर थिंग्स, तो इज इट इजी, ये अच्छा मौका रहता है, मुझे लगता है वैलेंटाइन से तो बर्थडे बढ़िया मौका रहता है, हाँ है ना नहीं मैं तो ऐसे ये तो राजेश स्टोरी टाइम नहीं मैं स्टोरी नहीं यार ऐसी है ऐसे 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 बता दे कि मेरे दोस्त ने ऐसा किया था, मेरा दोस्त एक बार ऐसा राजेश कहां है द मोस्ट ओवर यार मेरे को पता अपने दोस्त की कहानी सुना देगी, दोस्त ने बर्थडे का फायदा कैसे उठाया, यार दोस्त ने बर्थडे का फायदा ऐसे नहीं था वो उठा लेता था, दोस्त बर्थडे का ये फायदा ऐसे होता था कि एक दोस्त था और उसने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो अच्छी खासी अमीर लड़की थी, तो उसका बर्थडे हम सब मनाते थे क्योंकि हम सबको अच्छी जगह पार्टी मिलती थी, तो हमें इसलिए उसके बर्थडे का इंतजार रहता था, बाकी अपने बर्थडे में फायदा उठा ही लेता था वो, वो तो क्या वो क्या ट्रिक्स एंड टिक्स, यही कि यार क्या ट्रिक्स रहती है, आज तुम मना नहीं करोगी आज जो मैं मांगू तुम आज तुम मुझे मना नहीं करोगी, बोलती हाँ बताओ क्या चाहिए मेरे दोस्तों को बर्थडे पार्टी, लड़की भी एक्साइटेड हुई कि चलो फाइनली इज आस्किंग फॉर इट, मेरे दोस्तों को बर्थडे पार्टी, एकदम पीछे आ राजेश कॉल बर्गर खा हम आ जाए नहीं बट हां ऐसे यू बीइंग अ गर्ल क्या तुम्हें ऐसा आया कि आज मेरा बर्थडे है, अब नहीं है, बचपन में था बट अब नहीं है, मतलब आज कभी भी एक ही बार हुआ हो, मतलब कि
यार सो मेरी स्टोरी थोड़ी सी सैड है इस मामले में. मेरी मम्मी ना मुझे मेरे बाल ऐसे लड़कों की तरह रखती थी. मेरे और मेरे भाई के बाल एक ही सैलून में कटते थे. तो बॉय कट था मेरा. सैलून नहीं था फिर वो. नाई की दुकान के सैलून था वो. नाई की दुकान थी वो. सैलून था. हाँ सैलून था वो. और वो मशरूम कट होता था ऐसे करके. मेरे थोड़े से आगे से लंबे छोड़ दिए जाते थे तो ऐसे कटोरा कट. तो मेरे बाल तो टेक्निकली थे नहीं. तो मुझे हेयर बैंड सेट बहुत अच्छा लगता था कि मुझे बर्थडे में मिले जिसमें अलग अलग क्लिप्स आते थे, हेयर बैंड आते थे. मेरे बाल में लगता कुछ नहीं था बट मुझे पसंद था. तो शायद इसलिए मैं अपने बर्थडे का वेट करती थी कि एक हेयर बैंड सेट मांगूंगी और एक बार्बी डॉल किट मांगूंगी जो आती थी पूरी और जिसमें हर साल मुझे एक एक सामान मिलता था. मम्मी बोलती थी इस बार बार्बी दिला दी ना, अगले साल इसे कपड़े दिला देंगे एक्स्ट्रा वाले. और फिर जब तक उसे कपड़ा था तब तक बार्बी टूट जाती थी. कुछ तो मिला होगा घर वालों ने, दोस्तों ने. कुछ कपड़े मिलते थे स्टैंडर्ड. मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला. कोई गिफ्ट से मजा नहीं आया. मुझे चेन वाली जीन्स जिसमें अलग अलग पॉकेट्स और चेन्स होते थे. पूरा पीछे ऐसे बाज सा बना था. एक दो दिन पहनी फिर वो उसके पास चली गई. फिर वापस ही नहीं आई मुझ तक. उसके लिए अच्छा बर्थडे. आपको मुझे अच्छी लगी थी. पैसे जोड़ के सैमसंग कॉर्बी फोन लिया था और बर्थडे वाले मंथ में लिया था. मेरा बर्थडे मंथ के एंड में आता है और साला अब तो बर्बाद हो गया. मैं 6th क्लास में थी जब सैमसंग कॉर्बी फेमस था. अरे आप मुझे याद है मेरी नानी ने मुझे एक बार फोन दिलाया था बर्थडे पे नोकिया. हाँ तो फिर ये हुआ ना कि मेरे को अब ध्यान आया आपके फोन से. तो मेरे दोस्तों ने भी अभी कुछ टाइम कॉलेज में था तब तब मिला सैमसंग कॉर भी दिया था मेरे दोस्तों ने पैसे मिलाकर. दोस्तों ने हाँ 4-5 हज़ार. ऐसे दोस्त मेरे क्यों नहीं थे. 10-12 दोस्त ने मिलाकर दिया ना 300-300 रुपए मिला. यार ऐसे 10 दोस्त इकट्ठे करना भी बहुत जीवन में अचीव करा जाना. मेरे तो नहीं थे. मेरे अब भी नहीं. फ्रेंड सर्कल नहीं है आपका. तो फ्रेंड हेक्सागन था पूरा. हां था था वही था. तो बस अब फोन लेके जाने दोस्ती छोड़ने साले इनके भी देना पड़ेगा. अपने अपने नंबर ब्लॉक करने. अब आए थे बर्थडे के जो बदलते स्वरूप है मॉडर्न स्वरूप. 2-3 चीजें जैसे हमने बहुत नोटिस की. एक चीज ये कल्चर चली आई कि सड़कों पे बर्थडे मनाते हैं गाड़ी की डिक्की पे उस पे काटते हैं केक. तलवार से केक कटते हुए पहली बार. केतन आवारा लड़कों में तो ये आवारा गर्दी वाला हो गया. लड़कियों का ये बर्थडे काउंट डाउन करते हैं यार. करते हैं और वो भी हो गया. करते हैं सच में. मैं तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. बर्थडे लड़के लड़कों का बर्थडे काउंटडाउन कर रहे हैं. हाँ, हाँ, बहुत कम करते हैं पर देखा मैंने दो करते हैं. कम ही रहे ये. कम है ये. कम ही रहे. कभी कॉलेज नहीं गए. ट्रॉल हो जाते हैं ना लौंडे ही मजाक उड़ा देते हैं. हाँ भाई इसीलिए हो जाता है. भाई वैसे तुमने क्लास में बोला लड़कों के बाद मजाक बनता है कि हाथ क्यों धो रहा है खाने से पहले हाथ धो. तो बर्थडे काउंटर बट ये काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना. तो डेली किड्स ही हो ना. हो गया यार. हाँ डेली काम नहीं है भैया. हम तो हमें कोई नहीं चाहिए बर्थडे काउंटर. हाँ आप बर्थडे काउंटडाउन या ऐसे कोई आवारा गर्दी वाला बर्थडे कुछ नहीं मनाते. शालीनता अब तो मैं बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे तो ऐसा हो गया कि ना ही मनाओ तो चलेगा. ठीक है कि अब मेरा बर्थडे है कि गो आउट फॉर अ गुड डिनर दैट्स इट. आई रिमेंबर वन बर्थडे. उस टाइम पे ज़ैन फुल टाइम एम्प्लॉय हुआ करते थे एंड ज़ैन का पूरा नाम अहमद ज़ैन. अहमद ज़ैन अनवर है. तो बर्थडे ईमेल आते हैं तो हैप्पी बर्थडे अहमद. हैप्पी बर्थडे अहमद किसी को पता नहीं चलता था बट ऑब्वियसली वी आर इन द सेम टीम सो हमें पता था. अब ज़ैन का बर्थडे केक काटने के लिए हमने केक मंगवाया. ज़ैन इज सो कॉन्शियस अबाउट इट. मतलब हम एडिट रूम के अंदर काटते थे इनका बर्थडे केक क्योंकि ये बाहर सबके साथ 10 लोगों के बीच में केक काटने में शर्म शर्म हो जाते थे एकदम कि कैसे काटूं केक. अदरवाइज सोशल पर्सन इन ऑफिस. मेरी सबसे दोस्ती थी पर बर्थडे केक भाई. तो जैसे एक तो मैं ये नहीं रिलेट कर पाता. जैसे इंडियन टीम में तो खासकर ये चलता है क्रिकेटर्स का हम देखते हैं केक खराब कर देते हैं. आई हेट इट भाई. बचपन में और यार हम ग्रोइंग अप हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि केक खाने को नसीब होना बड़ी बात है. अरे जब अफोर्ड कर भी सकते तो केक खाने की चीज है भाई यार. और इसमें तो माही भाई ने चलाया सबसे ज्यादा. हाँ। ये तो मुझे लगता है. ऐसे मत बोल. मैं बोल एक आदमी था जो केक खराब कर देता था. एक आदमी था जो पवेलियन में केक आते ही उसे खिलाड़ी के मुंह पे मल देता था. ये मुझे लगता है कि जब 2-3 केक आने लगे ना. जैसे 2-3 आने लगे कि एक तो खराब करने के लिए ही आएगा. बट गाइस मैंने ये चीज कॉलेज में जा करके सीखी दिल्ली में कि मैं केक लेके भाग जाऊं. नहीं चेहरे पे लगाने वाला केक अलग आता है जो सिर्फ फोम से बनता है 100-150 रुपए का. और खाने वाला केक अलग आता है.
खाने वाला केक आप मंगाओगे तो नहीं कि माही भाई 150 वाला रगड़ते हैं, वो तो मेन केक ही रगड़ते हैं। माही भाई के पास ना इतने पैसे हैं कि वो केक की फैक्ट्री खरीद सकते हैं, तो उनके लिए बुरा मत फील। बड़ी बात नहीं उनकी अपनी। नहीं मुझे लगता है कि लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि भैया एक केक लगाने वाला, मुझे लगता है दो केक पैक कर दो ऐसे ही करके ले जाते हैं। दोस्त नहीं है वो, हमारे दोस्तों का सर्कल वो नहीं है आजकल। मतलब ये कॉलेज मैं कह रहा हूँ कि लोग ले जाते होंगे दो केक ही, वो अलग नहीं लेते होंगे एक फेंकने वाले के। लोग करते हैं लेटर्स अल्फाबेट्स वाला केक आता है जो लोग तलवार से अपनी गाड़ी के ऊपर लाइट वाइट लगा करके करते हैं, वो सिर्फ फोम से। एक हैमर वाला भी आता है। हाँ, और हाँ, हैमर वाले केक आने लगे। मेरे घर पे मेरी बीवी का बर्थडे होता है तो जितने का मुझे गिफ्ट मिलता है उतने का तो उसका केक आता है। बिकॉज केक कितने पे हो गए कि 3-4 हजार रुपए का केक आ रहा है भाई, आधा किलो केक 4 हजार का, आधा किलो फोंडेंट वाला केक आया जिसपे कैलकुलेटर, मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो बना रहेगा, कैलकुलेटर हो गया, लिपस्टिक हो गई, वो सारी चीजें जो वो केक्स महंगे होते हैं। और ये सब हमें काटना है फिर अल्टीमेटली, करके रखो काट के खाना है, काट के खाया सुबह वो देखा आपने, लोग तस्वीर लगा देते हैं केक के ऊपर। सम केक्स आर सो तस्वीर काट दिया ना फिर खा रहे हैं बर्थडे पे इनकी ना खाए। और कुछ-कुछ केक तो शी इज राइट आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुली फील लाइक व्हाई शुड आई कट इट, एग्जैक्टली नो टू बिकम पॉटी कट ईट। एक बार तो मैंने बोला एक जगह से केक मंगाया, आई विल टेल यू कहां से मंगाया था बाद में, मैंने बोला इस पे लिख दो हैप्पी बर्थडे, कहले पागल है वो, हैप्पी बर्थडे लिखेंगे इस केक पे, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। पर कमिंग बैक टू अरे कुछ आषाढ़ चल रहे थे, मेरे पापा कैसे था जिस साल नेहरू जी मरे थे, याद रखते हैं डेट वेट याद नहीं, घर वालों को उतना ही याद है। उनके माँ बाप को बेचारे माँ बाप, बट माई मदर नोज अबाउट दैट, वी यूज्ड टू मेक लाइक आई एंड माय ब्रदर यूज्ड टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। सो व्हेन यू आर यंगर यू विल नॉट रियलाइज इट, मेरी मम्मी ने वो कार्ड्स बहुत संभाल के रखे ना, शी इज वेरी इमोशनल अबाउट इट। वो कार्ड है ना, खर्चा नहीं है वो। हाँ, खर्चा नहीं है वो, तो मेहनत कर रहे हो उस टाइम पे जब बनाते थे जब हम छोटे थे 10 साल 11 साल के तब पता नहीं चलता था। नाउ आई रियलाइज इट व्हेन वी आर मच ओल्डर दैट इट इज सो स्पेशल फॉर हर। ठीक है, बट अब हम आ चुके हैं एपिसोड के एंड की तरफ, और क्योंकि बर्थडे तो ऐसा टॉपिक है कि भैया सबने मनाए होंगे अपना, नहीं तो किसी का अटेंड किया होगा, तो इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ढेर सारी कहानियां हम तक पहुंचेंगी। सब अपना अपना लिख के हमें बताएंगे फनी एक्सपीरियंस, जितना अलग जितना बढ़िया से, और आज तो ईमेल सुन के आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे वाले पिक हो रहे हैं। तो उसी तरह के उसी इस तरह के आपको भी लिखने, और जब इतने ईमेल आ गए भाई, लोग एक ऐप से दूसरी ऐप तक चले गए, तो मैं थोड़ा और लालची हो गया हूँ, मैं अब चाह रहा हूँ कि कुछ हैंड रिटन ही अगर मिल जाए तो मम्मी के लिए बनाएगा तब देना। नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, कोई हमसे भी तो इतना प्यार करता होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्ट करो, आप हैंड रिटन लिखो, उसे स्कैन करके ईमेल कर दो, 7-8 दिन बाद बोलेगा खून से भी लिख के भेजो। अब फाइनली दोस्तों समय आ गया है ईमेल पढ़ने का, जो कि हमें अच्छी खासी मात्रा में आए हैं, और सबसे पहला तो आया है गूगल कम्युनिटी टीम से, वो हमसे कह रही है कि अपना अकाउंट सेटअप कर लो ये जो भी है। पर उसके बाद एक लिखा है सक्षम निगम ने, और इन्होंने एक अपना कोई किस्सा बताया है, वो मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन ऑफ शुभम राजेश एंड जैन, सौम्या यू आर ऑल्सो ग्रेट फर्स्ट पॉडकास्ट, आई हैव अ फनी स्टोरी रिलेटेड टू अ वेडिंग। मैं अपनी दीदी की शादी में फतेहपुर गया था, और वहाँ पर सब मेरे कजन्स मिलकर एक घर में रुके थे, और सब ने अपने शूज रूम के बाहर रखे थे, और हम सब रूम में गेम खेल रहे थे, पीछे से एक डॉग आया और मेरे शूज चबा गया, पूरा खा लिया, और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोया, मेरे फेवरेट शूज, और मुझे सबने टीज भी करने लगे, आप वही भैया हो ना जिसके शूज डॉग खा गया था, बट मैंने भी गुस्से में उस शूज को बॉक्स में पैक किया और गिफ्ट्स के साथ रख दिया, आज तक सब मुझे उस इंसिडेंट के लिए चिढ़ाते हैं। भाई सैड स्टोरी है, फनी कहाँ है? अच्छा आई हैव अ फनी स्टोरी, उसके लिए सैड, हमारे लिए तो फनी है। मुझे भी बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है मुझे यार, उसको आज तक चिढ़ाते हैं, बताओ उस चीज के लिए। एक फिल्म बन सकती है, चाहे शॉर्ट फिल्म बन सकती है, बॉय इन येलो बूट्स, द शू दैट गॉट च्यूड। चिढ़ाने वाली चीज एक बचपन में बहुत होती थी ना, कि मतलब किसी का कुछ भी हो जाए, तेरी पैंट की जिप खुली है, इसी पे आपको 3-4 दिन चिढ़ाया जा सकता है। अरे मेरे मम्मी की पापा की 25वीं एनिवर्सरी थी शादी की, तो बहुत लंबा चौड़ा होटल वोटल बुक हो गया, बहुत तगड़ा फेस्टिवल था, तभी 9 साल के सेलिब्रेशन हो रहा। हाँ मैं उतने छोटा ही सा था, एक हराम का चोरा था, उसने धक्का मुक्की करके मेरे पजामा फाड़ दिया, पजामा फटा फटा, पहन
जाके काफी रहा है सब मोहल्ले कि जैन का तो पजामा फट गया। मैं अपने मम्मी पापा की 25वीं एनिवर्सरी पर रोया हुआ है, वीडियो है कि मैं रो रहा हूं फूट फूट के। ये चाहूंगा अब ये वीडियो भी हमें दिखाएं फूट फूट के। वो वीडियो सीडी में था, वो पता नहीं सीडी है। गाइस वांटेड टू हैव बीन सो इरिटेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स, 25वीं सालगिरह, 9 साल का बेटा रो रहा है और रो गया पजामा फट गया। उसके बाद मैं उससे बात नहीं करता था लड़के से, उसका नाम आज भी याद है, इकबाल नाम था उसका। अब करते हो नहीं करते हो? अभी भी नहीं करता भाई, मिल गया उसका यार इकबाल मेरा पजामा फाड़ देता मैं भी। माही ने इसके अलावा हमें ईमेल लिखा और पूरा अच्छे से टाइटल में इन्होंने वेडिंग क्रैशिंग प्लस टेकिंग फूड टू होम प्लस तारे जमीन पर सेंड मी टू हॉस्टल, तो तीन चीजों की इन्होंने बात की है। अच्छा खासा ईमेल है। हाय एवरीवन, नियर माय हाउस देयर वर थ्री बिग वेडिंग प्लॉट्स एंड एवरीडे सम वेडिंग्स हैपन देयर। सो व्हेन आई वाज चाइल्ड अदर देन स्लीपिंग एट होम आई यूज्ड टू बी आउटसाइड हाउस लाइक एट स्कूल, गेमिंग शॉप, क्रिकेट ग्राउंड और वेडिंग क्रैशिंग। ये तो इनका मतलब हॉबी है, हाँ, कि पढ़ने के बराबर रखा है। ये वो बच्चे थे जिसके चक्कर में तुम्हारे मम्मी पापा ने बर्थडे पार्टी कि बाहर तो भाई होगा अंदर रहो अंदर रहो। सो ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर वाज द डिस्टेंस बिटवीन माय हाउस एंड वेडिंग प्लेस। एट दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी फोन्स और एनीथिंग, सो आफ्टर लीविंग द वेडिंग इट बिकेम बोरिंग। सो टू टैकल इट आई यूज्ड टू टेक आइसक्रीम फ्रॉम द वेडिंग सो आई कुड ईट व्हाइल कमिंग होम। But not all weddings have ice cream. देखिए जज भी कर रहा है कि कुछ हल्की शादियां भी होती थी। Problem बता रहा है, like problem statement. So to tackle it, I take काजू कतली इन दोना और something like that. कि अगर आइसक्रीम नहीं मिलती थी तो फिर मैं दोने में काजू कतली वगैरह ले आता था। कितने बापों ने मतलब अपनी बेटी की शादी कर्जे ले लेके करी, उसमें चार काजू कतली माही लेके जा रहा है। पहली बात तो पहली बार सुन रहा हूँ शादी में काजू कतली मिली, और ये तो गरीबी बता रहा है कि जिन पे आइसक्रीम नहीं थी काजू कतली। काजू कतली 800 रुपए किलो आती है, तब भी 2-4-5 सौ रुपए किलो आती होगी आइसक्रीम। बाय वन गेट वन फ्री क्या? और शादियों में तो मैं सुना है एक्सपायरी वाली चलती है, हाँ, वो टेस्ट खराब नहीं होता, बस उनकी बेस्ट बिफोर डेट निकल जाती है। ये तुझे पता है ना फंडा, बेस्ट बिफोर का मतलब है कि इस तारीख से पहले तक बेस्ट है, उसके बाद वर्स्ट हम गारंटी नहीं लेते उसके बाद। हां इट इज स्टिल गुड, एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर वो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता था कि बेस्ट बिफोर डेट वाली नहीं चलती है, कुछ नहीं होता उसमें, खाया कर दो। साइड स्टोरी, अच्छा अभी और भी है। माय फैमिली डिडंट लाइक दैट आई एम गोइंग टू वेडिंग्स एवरीडे एंड डोंट स्टे एट होम एट ऑल। दैट टाइम माय फैमिली विद नेबर्स वॉच्ड तारे जमीन पर and they send me to hostel. एक तो शुभम पढ़ भी ऐसे रहा, उसने लिखा भी ऐसे ही होगा, उसने ऐसे ही लिखा जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जिसका फ्लॉलेस था मैंने उसका फ्लॉलेस था। तो हां दोबारा, my family didn't like that I'm going to weddings every day and don't stay home at all. At that time my family with neighbors watched तारे जमीन पर and they thought their child become good and intelligent, so they sent me to hostel in 7th class. By the way I did 12th 2 times. First time 57% and second time 54%. साले ये उन बापों की बद्दुआ का जो तू अटेंड कर रहा था, जिनकी काजू कतलियां निकाल निकाल के ले गया तू, किसी ने अपनी बेटी के लिए काजू कतली रही, दमाद जी को नहीं मिली, भाई भाई लेके चला गया डोने में 1% ही आएंगे तेरे तो। साइड स्टोरी, व्हेन माय मॉम वेक्स अप लेट she gave me 5-10 rupees to eat something for lunch and I used to only spend half of it because with the remaining half I want to play game at the gaming shop, lol. एक से 5-10 रुपए में आधा आधे में खाना कैसे खा लेता था? अरे 2.5 रुपए में क्या खा रहा है? पुराने जमाने की बात होगी ना, 10 रुपए में 2.5 रुपए में क्या खा रहा है? कितना पुराना है? 5 रुपए में 4 समोसे आता होगा, 1.5 रुपए में 5 रुपए में 4 समोसे, मेरे कैंटीन में 5 रुपए में 2 आते थे, हां तो 2.5 का एक ही होगा। मेरे स्कूल में जो कैंटीन थी वहां 5 रुपए में 4 समोसे मिल जाते थे, छोटे-छोटे वाले होते होंगे फिर, हां मेरे स्कूल में छोटे वाले समोसे कैंटीन भी थी, 4 इतने हां ठीक है छोटे-छोटे थे। ओवर द इयर्स रेट्स बढ़ गए केजरीवाल, अब ये करके दिखाओ। ये लिखा है डॉक्टर ओमकार फट तारे ने, सॉरी अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ आपका नेम, तो आई वॉज 2 years ओल्ड, इनका है एपिसोड 1 इंडियन वेडिंग्स अनफॉरगेटेबल फर्स्ट वेडिंग मेमोरी। आई वॉज 2 years ओल्ड अटेंडिंग माई मैटरनल अंकल्स वेडिंग, मामा की शादी। आई हैड वॉन अ डेनिम डंगरी, अरे डंगरी होती है ना फुल ओवरऑल्स, आई हैड वॉन अ डेनिम डंगरी विद अ स्ट्रॉन्ग जिप। आई वॉज रोमिंग बिहाइंड माई मदर हु वॉज क्वाइट बिजी टू टेक मी टू वॉशरूम, आफ्टर अ लॉट ऑफ नैगिंग शी डिड। When I, एक तो बचपन में मुझे मालूम है ये zip और bathroom जाना तो क्या होने वाला है, मैं समझ गया बचपन यार, ये बचपन में nagging कर रहे थे, क्या होता है राजेश nagging, ये बचपन में nagging क्या होती है, zip ले चलो मम्मी ससुर ले चलो। When I was done she pulled up the zip hurriedly and it got stuck। अब शादी की कहानी नहीं है वो, उसने खाली वेन्यू शादी का, वेन्यू शादी का है।
horror story. I remember crying so loudly that the entire hall knew something was wrong. Obviously. No maneuver with the zip could free the organ. और ये डॉक्टर साहब लिख रहे हैं तो इन्हें तब तो ऐसा लिखा है नो मैनूवर कुड नो मैनूवर विद द जिप कुड फ्री द ऑर्गन इग्नोरिंग द कपल अ हाफ नेकेड येलिंग किड विद अ पैंट हैंगिंग टू हिज पेनिस हैड बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन मेनी ट्राइड टू गेट इट आउट नन सक्सीडेड सो वन ओल्ड अंकल केम एंड सेड देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट नाउ वी हैव टू कट इट ही एक्चुअली कट आउट द जिप विद अ ब्लेड एंड अलोंग विद इट सम ऑफ द पीआरई पीयूसी क्या होता है पीआरई पीयूसी आज तक उस मामा को माफ नहीं कर पाया मामा की क्या गलती है इसमें मम्मी की गलती है और माफ मामा को नहीं किया होता ठीक है रिगार्ड्स डॉक्टर ओमकार सुनील फटता रहे सही बड़े डिजाइन हो गया बड़े बड़े डिजाइन हो गया और क्या कह सकते हैं अफसोस है भाई शादी का इसमें इतना रोल है कि शायद शादी की भसड़ में हो गया बस मतलब मम्मी इतना बिजी थी एंजॉय करने में कि बच्चे के जिप ढंग से बंद करना भूल गई होता है तो सबके साथ एक ना एक बार होता ही है दैट इज व्हाई गाइस ऑलवेज यूज डायपर्स नहीं यार चड्डी पहना डायपर्स चड्डी पहना करो किस लिए बनी चड्डी हां चड्डी इसीलिए बनी है जो समझा समझा के लोग और चड्डी लड़का तभी पहनता है जब एक बार हो जाता है हां आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने इसके बाद कभी ऐसा नहीं किया चड्डी पहने बिना हां निकल लिए खासकर शादियों में पर 2 साल के बच्चों को तो प्लीज डायपर पहना के ले जाओ वेडिंग्स में नहीं डायपर तो बहुत अनहाइजीनिक होता है नहीं चड्डी पहनाओ भाई चड्डी पहनाओ अरे बार बार टॉयलेट में ले जाना पड़ेगा ना 2 साल के थोड़ी है डॉक्टर साहब कितने साल के हैं 2 साल के थे 2 साल के थे ओ, उनको क्लियरली याद है कि इनके 2 साल की उम्र ऐसी चीज यार कैसे कोई भूलेगा सब याद दिलाते रहेंगे ना लिखती रहती है 2 साल की उम्र पढ़ सकती है क्या अरे बड़ा सवाल ये है दोस्तों क्या ये मुमकिन है 2 साल की उम्र में ये होना मुमकिन है किसी भी उम्र में भाई 5-6 साल नहीं 2 साल भी और भी काफी ईमेल्स हैं जो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और मजा आया आई थिंक इसमें तो हमें हमें तो आया हमें ये वाला एपिसोड करके और अगेन जब आप लेटर्स लिखें थोड़ा अपने बारे में भी बताएं डॉक्टर साहब ने तो अपने बारे में आपको ये देखना चाहिए था कल को आपने खबर यहाँ डाल दी कल को कोई मरीज अरीज आएगा आपके सामने 4 आदमियों के सामने आईसीयू में बोल गया वही डॉक्टर साहब है ना आईसीयू में किसकी आवाज निकलती है जैन अरे भाई कोई चलो क्लिनिक में कोई ने बोल दिया हाँ। डॉक्टर साहब आप तो आपको हमने किस्सा सुना हुआ है 2 साल की उम्र अच्छी बात है नहीं यार डॉक्टर और वकील बेचारा रेपुटेशन पे तो चलता है नहीं लेकिन भगवान करे हमारे शो की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो थोड़ी कोई बोलेगा कि यार उन डॉक्टर के पास नहीं जाते मैं इन डॉक्टर साहब से बुखार नहीं रख पाऊंगा नहीं नहीं इनकी तो बचपन में डंगरी में उन्होंने फंस गई थी ये तो नहीं होगा डॉक्टर साहब को उस पे जज किया जाएगा लेकिन कोई मरीज निकलवाने आता है निकले ये तो इनका काम है हाँ ये बात है पॉइंट ये फादर बट यस आप जब आगे से लेटर्स लिखे तो अपने बारे में भी बताएं थोड़ा सा और मेरी इच्छा है हैंड रिटन भी हो एक आधा और इस बार का तो टॉपिक ऐसा है कि उसमें ढेर सारी बातें आप लोग करेंगे बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब